चार पंक्ति कह रहा हूँ, बात अच्छी लगे तो आपका भरपूर प्यार मिले, कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, जीवन के हर मोड़ पर हर परिस्थिति में जो हिम्मत रखता है, निराशा कभी अपने जीवन में आने नहीं देता है, ऐसे लोगों की बात करता हूँ मैं, कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, पराए गम से जो आंख अपनी नम रखता है, खुल के ठहाके लगा सकता है बस एक वही, जो अपने सीने में गम छुपाने का दम रखता है, जो अपने सीने वाह, में वाह, 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 जा, जा, और आज ऐसे ही जाबाज लोगों के बीच में मैं कविता पढ़ रहा हूँ, आप ठहाके लगाना जानते हैं, मैं जानता हूँ। मैं अपने रांडीरों ने शुरू करता हूँ। आप कविता विविता मेरे को आती नहीं है, मैं तो अपनी परेशानियां सुनाने जाता हूँ। देखिए, घर से जब भी बाहर निकलता हूँ, कदम कदम पर बड़ी सावधानियां रखनी पड़ती है दुबले पतले आदमी को। घर से जब भी बाहर निकलता हूँ, पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है और मुझे हिदायत देती है, पड़े रहने देना, खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। वाह 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 केला जी वाह। तो उस बिचारी को मेरी बहुत चिंता है साहब, और चिंता करना भी चाहिए, मैं आखिर उसका पति हूँ। हाँ, कैसा भी हूँ तो क्या हो गया, उसकी मांग का सिंदूर हूँ मैं, हालांकि चुटकी भर हूँ। नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है, सिंदूर तो चुटकी भर ही काम में आता है, किसी को ज्यादा सिंदूर मिल जाए तो ऐसा थोड़ी कि फिर वो मुट्ठा भर भर के माथे पे लगाए। नारी इतने से ही सिंदूर का उपयोग करती है भाई साहब, और उसमें कितना परिवर्तन आ जाता है, उसके नारीत्व की गरिमा बढ़ जाती है, उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है, उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। पर नारी एक जगह और सिंदूर का उपयोग करती है, बात अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर भरपूर प्यार मिले, कि चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है। चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है, पर वो अमर सुहागन हो जाती है जो भारत माँ पर अपना सिंदूर चढ़ा देती है। वाह 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 वाह, अपना सिंदूर चढ़ा, बढ़िया बढ़िया, वाह वाह केला जी, कमाल कर दिया आपने, ये रांडी रोने में भी अच्छे काम हो रहे। ये अपना वीर रस था। ये रस बस इतना ही निकलता है, इससे ज्यादा वीर रस अपने से बर्दाश्त भी नहीं होता है। भाई साहब, मैं अगर जोश खरोश की बातें करूं तो सबसे पहले जोश मेरे को ही आता है, और आप जानो मेरे को तो थोड़ा सा भी जोश आ जाए तो फिर मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया केला जी। नहीं, आप जानते हो पतले वायर में एक तो करंट बहुत जल्दी आता है, है ना, और ज्यादा भी आता है ना, एकदम ज्यादा करंट आ जाए पतले वायर में तो फॉल्ट हो जाएगी नहीं, इसलिए भाई साहब मैं जोश खरोश की बात तो करता ही नहीं। पर अपन मत करो, सामने वाला कोई जोश खरोश की बात करे तो सुन के भी जोश तो आता है, कितना भी कंट्रोल कर लो। अभी ये भैया जो सुना रहा था जोश की बातें, मेरे को तो जैसे कोई भैरूजी आने लगे थे। वो क्या है, आप जानते हो कच्चे पापड़ को आँच बताओ तो बांका टेढ़ा होता है कि नहीं। वाह 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 वाह, तो सुन के जोश आता है। मैं आप कैसे आता है एक घटना बताता हूँ। स्वागत स्वागत आपका। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों की, जब करगिल का युद्ध चल रहा था, पूरे देश में जोश खरोश का वातावरण था, सबकी देशभक्ति हिलोरे ले रही थी, मैं भी चपेट में आ गया। मैंने कहा, यार पूरी जिंदगी हो गई अपने देशभक्ति का कोई काम नहीं किया, आज देश को मेरी जरूरत है, सीमा पर जाऊंगा, दुश्मन से दो दो हाथ करूंगा। पर जब बंदूक देखी तो समझ में आई कि बंदूक तो अपने बाप से नहीं उठे, वो बंदूक के वजन से ही मर जाए अपन तो। फिर दिमाग लगाया तो एक आइडिया आया, मैंने कहा रक्तदान कर दो रे, ये भी बहुत बड़ी देश की सेवा, अपने रक्त से किसी घायल सैनिक की जान बच जाए, बहुत बड़ी देशभक्ति। तो भाई साहब, उन दिनों जगह जगह रक्तदान शिविर लगे हुए थे, तो एक जगह मैं भी पहुंच गया, डॉक्टर ने पलंग पे लिटाया,
सुई लगाई, खून निकालना चालू। वो भाई साहब 8, 9 या 10 बूंद खून निकला होगा, मैं तो बेहोश हो गया। वाह बढ़िया। डॉक्टर लोग बेचारे घबरा गए, खूब भागा दौड़ी करी और फिर आखिर 2 बाटल खून चढ़ा जब मैं होश में आया। बढ़िया, एक बार तालियां हो जाए आप सबकी। बढ़िया अकेला है, अकेला जी मजा आ गया। तो देखो मेरी भावना तो अच्छी थी देश सेवा करने की, पर काम उल्टा हो गया, उल्टे देश को मेरी सेवा करनी पड़ी। तब से क्या है, मैं देश सेवा करने में भी बहुत डरता हूँ कि मेरी सेवा से कहीं देश संकट में नहीं आ जाए। पर इस घटना से जो बात मेरे दिमाग में आई वो आपको बताता हूँ कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जमाने में पैदा नहीं हुआ। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समझ जाना। ये तो अच्छा हुआ कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जमाने में पैदा नहीं हुआ, अगर हो जाता तो आजादी का मामला खटाई में पड़ जाता। क्यों? कि जब नेताजी कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो भाई साहब मैं खून कहां से लाके देता? न वो तो कहते ही सही। वाह बढ़िया, ताले हो जाए आपकी। वाह, तो ये तो अच्छा हुआ कि मैं उनके जमाने में पैदा ही नहीं हुआ, आजादी के बाद पैदा हुआ। पर ये भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, इधर भी परेशानी है। क्यों? कि पहले वाले नेताजी तो खून मांगते थे, आज वाले मांगते नहीं है, निचोड़ लेते हैं। वाह वाह वाह, बढ़िया व्यंग है। आहा, पहले वाले नेताजी तो खून मांगते थे, आज वाले मांगते नहीं है, निचोड़ लेते हैं। आजादी का फल पकने से पहले ही तोड़ लेते हैं, आजादी का फल पकने से पहले ही तोड़ लेते हैं। अरे आजादी तो इनको ही रास आई है, इन्होंने हर बात की आजादी पाई है। आजादी झूठ बोलने की, जहर घोलने की, धर्म बेचने की, शर्म बेचने की, देश की तकदीर बेचने की, आजादी कुर्सी के लिए अपनी माँ का भी चीर खींचने की। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह। मैं ऐसी बहुत छोटी छोटी पर बहुत अच्छी काम की बातें बताता हूँ, पर मेरे को देख के तो लोग ऐसा समझते हैं भाई साहब जैसे मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। सही बता रहा हूँ, आज क्या मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया, वहाँ कोटा उतरा, वहाँ ठहरने का व्यवस्था थी कवियों की। मैं रेलवे स्टेशन पे आया, मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा कुछ खा पी लेते हैं फिर चलते हैं होटल। तो एक जगह देखा गरम गरम समोसे बन रहे थे, तो मैंने दुकानदार से कह दिया भैया एक समोसा देना। तो दुकानदार ने पहले तो मेरे को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा, फिर बोला कि पूरा दे दूं क्या? अरे मैंने कहा पूरा दे दूंगा क्या मतलब है, तुम्हारे कोटा में क्या समोसे भी टुकड़े कर करके बेचते हो? वो बोला नहीं टुकड़े कर करके तो नहीं बेचते हैं, पर हमें लगता है आपसे पूरा उठेगा नहीं। तो लोग ऐसे ऐसी मेरे को देख के बातें करते, मेरे को बहुत बुरा लगता है। आदमी की काया क्या देखो रे, आदमी का व्यवहार देखो, उसकी बोली चाली देखो। आदमी में गुण हो तो आदमी अच्छा, नहीं तो आदमी भले ही प्रदीप पवार जी जैसा हो, मोटा ताजा और लखनऊ हो तो क्या काम का। नहीं नहीं मैं इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसी किसी की बॉडी हो और उसमें गुण नहीं हो भाई साहब तो क्या फायदा। पर लोग तो क्या है बस ढांचा देख के ही सब अनुमान लगाते हैं। मैं आपको बताऊं पहले जवानी में मैं कहीं भी जाता था तो लड़कियां मेरे को बहुत घूर घूर के देखती थी। अच्छा तो मैं क्या समझता था कि मैं बहुत हैंडसम हूं, वो तो बहुत दिनों बाद पता चला कि जहां भी जाता था लड़कियां तो मेरी मजाक उड़ाती थी, आपस में कहती थी अरे देख देख कैसा छोरा जा रहा है सुख के सांटे जैसा। तो ये जो मेरी काया देख के मेरी मजाक उड़ाते हैं उनके लिए 2 पंक्ति कहता हूँ भाई साहब। स्वागत आपका। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? अरे अरे वाह वाह वाह। नहीं मेरे को गुस्सा आता है फिर मैं ऐसे ही बकता हूँ और तो क्या कर सकता हूँ।
क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे, कोई दिल परख कर तो देखो, सूखे सांटे में भी रस मीठा है, कोई चक्कर तो देखो। वाह वाह वाह, बढ़िया है, बढ़िया किला जी, बढ़िया है, जिंदाबाद, वाह बढ़िया।